लाल साड़ी चार का लगा दिया गाड़ियाँ निकल रही है, कैमरा रख के तो मार दो जी। मैं तो लाई कोई गाड़ी सुबह हुआ चले ग्राम देवड़ा। हमारे यहाँ गांव में 6-7 दिन से पहले फुलन ने तेंदुए का प्रकोप देखा था। फिर पेमाराम और ज्वाराराम वो खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे रात को थोड़ा गायें वगैरह या उनके खेत के पास होकर गुजरे। सुबह उन्होंने पैर देखे, फिर हमने सूचना दी अधिकारियों से, तो वो ना यहाँ पे समय पर नहीं आए थे। वो तो लोगों के अंदर भय है, बस अभी स्कूल से भय के कारण डर डर के घर आ रहे हैं कि शेर आ गया। प्रशासन से मुझे मेरा ये कहना है कि हेलीकॉप्टर से उसी सैटेलाइट से देख करके भी वो कहाँ पे, ये पीछे पीछे घूमने से वो पकड़ेगा नहीं कि भाई वो वहाँ है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था करके गाँव के अंदर लोगों के अंदर भय है, उसको भय को दूर करने के लिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। क्योंकि पैंथर का पैर, इसलिए हम उसको लेके एग्जाम थे। आपको पैंथर की जानकारी कब मिल गई थी? अभी 9:30 मिली है सुबह, सर ने छुट्टी कर दी है और हम स्कूल नहीं गए। तो आप स्कूल मतलब कब तक नहीं जाओगे? जब तक पैंथर का पकड़ में नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। सर, जो पैंथर पिछले 2 दिनों से यहाँ पे दहशत फैला के रखी हुई थी और करीब 5 लोगों को घायल कर चुका है, तो अब तक की पैंथर की क्या जानकारी है? नहीं, घायल तो कर चुका है, उन्होंने रेस्क्यू किया है उसको, लेकिन अभी तो वो हमारे फॉरेस्ट में आ गया है। हमने सुबह से उस बच्चिन पे हमारे जंगल में आ गया है, वो हमारे हुआ है, वो अभी तो उसको तो क्या करना है, वो जंगल में है, उसका मूवमेंट कहाँ होगा, हमारी नज़रें उस पर है, ध्यान रख रहे हैं। कल रात से जो रेस्क्यू चल रहा था, कल सवेरे से लेकर शाम तक चला, उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उसके मूवमेंट? एक तो वहाँ झाड़ी बहुत ज़्यादा थी, वारंटी थी, और भी है जनता भी थी, तो वो तो मुश्किल तो होती है रेस्क्यू करने में, जनता भी बहुत ज़्यादा थी। डेकोरेशन किया उसको, 4-5 दिन अंधेरा हो गया, अंधेरे होने के कारण वो फिर हमें मिला नहीं। ठंड भी ज़्यादा थी, 2-3 घंटे में उसको और ज़्यादा था वापस। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एक सप्ताह पहले जो अपने फुलन गांव में दिखा था पैंथर, वो यही है या कोई? नहीं, वही आता है, हर साल आता है यहाँ सिवाना पहाड़ में, सारी जगह घूमता, कुंडल है, पीपलून है, सब जगह आता है, फुलन आता है यहाँ से वापस भीमगढ़ होते हुए वापस चला जाता है, 1-2 महीने रहता है और निकल जाता है। कुछ घायल भी हुए? नहीं, घायल हुए हैं तो उनकी गलती से हुए हैं, उनके पैंथर की गलती नहीं है। पैंथर ने एक बार जिस आदमी को पहली बार हमला किया था, विक्रम सिंह, उसकी गलती थी, बाकी तो लोग तो उसके ऊपर घूम रहे थे, हमने खूब मना किया लेकिन वो जनता नहीं मान रही, हम क्या करें। सर, अनुमान कितने लोग घायल हुए? अनुमान 2-3-4 लोग हुए। सर, आपने रेगुलर फायर भी किया 2 बार, क्या वो दोनों फायर असफल हुए? नहीं, बिल्कुल लगा उनको। सर, लगने के बाद फिर वो घायल क्यों नहीं हुआ? सर, नहीं घायल हुआ ना तो फिर अंधेरा हो गया, वो हमें मिला नहीं, उसके ऊपर गाड़ी। सर, मतलब ये जो अपने रेगुलर फायर किया था वो टाइम सर 4:20 पे था, अंधेरा हुआ सर 6:30, तो फिर मतलब क्या मतलब कहीं तो असफलता भी आपकी टीम की रही होगी। सर, किस हिसाब से हाथ से निकल गया? एक पैंथर जैसा जानवर अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो क्या, अगर बड़े स्टेप पे कोई जानवर 2-4 साथ में आए तो हमारी टीम और आपकी टीम क्या कर सकती है? सर, नहीं, हम तो हमारी कोशिश की है, हमने ट्रंकुलाइज भी किया है, हमारे डॉक्टर साहब ने किया ट्रंकुलाइज, लेकिन पहला ट्रंकुलाइज वो मिस हो गया, सेकंड ट्रंकुलाइज किया उसको, लेकिन उसके बाद वो घायल भी हुआ, अंधेरा हो गया, रंडी में चला गया, उसको मार तो सकते थे हम। लेकिन वो सप्ते पर पहले आया था, वो किसी को घायल नहीं किया, लेकिन इस बार 5 जनों को घायल कर दिया, आपकी टीम उसको पकड़ने से पहले यहाँ से चली गई, तो क्या और किसी को घायल कर खड़े हैं ना, हम कहाँ गए? जोधपुर से टीम आई हो है।